नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आलमंड बटर बना रही थी, सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और जल्दी क्विक सी अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। रॉयल राणा रसोई मेरे चैनल का नाम है और मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है कि जो लोग सीलिएक हैं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जिनका ग्लूटेन से एलर्जी है, वो इससे कुछ हेल्प ले सकें। मैं सीलिएक हूँ, ग्लूटेन नहीं खाती हूँ। आज से 15 साल पहले डायग्नोज हुई थी, बहुत टाइम लग गया इससे बाहर निकलने में, लेकिन फाइनली थैंक गॉड कि मुझे काफ़ी हद तक इसके बारे में पता है। तो मुझे लगा कि मुझे इतना टाइम लग गया, आप में से जो नए नए डायग्नोज हुए हैं या जरूरी सीलिएक हैं, उनको इतनी मेहनत ना करना पड़े और मेरे इस चैनल के माध्यम से या मेरी थोड़ी बहुत सी इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों की थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए तो क्या बुरा है। और अगर आप में से एक दो की भी मैं हेल्प कर पाए इस चैनल के माध्यम से, तो मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीलिक डिजीज है, ग्लूटन से सेंसिटिविटी है, उनको ग्लूटन से एलर्जी है, वो इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। क्या होती है ग्लूटन की एलर्जी और सीलिएक? जितना मेरी नॉलेज है, ग्लूटन एलर्जी तो सबको पता है क्या है भाई, बॉडी वो डिफरेंट डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। किसी को खुजली होती है, किसी को वोमिटिंग होती है, सो मैनी चीज़ें होती है एलर्जी से। लेकिन एलर्जी का क्रोनिकल रूप सीलिएक होता है। सीलिएक क्योरेबल नहीं होती, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, लेकिन ये आपको हार्म भी नहीं करेगी अगर आपने 100% ग्लूटन अपनी डाइट से बाहर निकाल दिया तो। आलमंड बटर बनाने के लिए हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, आलमंड और लिटिल बिट हिमालयन पिंक सॉल्ट। 2.5 कप हमने ये आलमंड लिए हैं, जिनको धो के सुखा के टोस्टर ओवन में हमने 10-12 मिनट के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ड्राई रोस्ट कर लिया। फिर इसको ठंडा होने के बाद फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लेंगे। जब तक आपके नट्स ऑयल रिलीज नहीं करते जब तक तो ठीक है, लेकिन जब एक बार वो ऑयल रिलीज करना शुरू कर दे तब ये बहुत ज़रूरी है कि आप 30 सेकंड के लिए चलाएं, फिर रुकें, फिर स्पैचुला से चारों तरफ से इसको स्क्रब करके फिर चलाएं, रुकें, चलाएं। और इसमें कोई खास टेक्निक नहीं है। ये इसलिए करना ज़रूरी है कि क्योंकि नट्स ऑयल रिलीज करते हैं और आपका फूड प्रोसेसर अगर कंटिन्यू चलेगा तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा और वो ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर हमने 1/8 स्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप चाहे तो सॉल्ट अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सॉल्टीनेस एक अच्छा टेस्ट आता है। सो इसी तरह हम सभी जो नट्स हैं उनका बटर तैयार कर सकते हैं। केश्यूज बटर, पीनट बटर, मिक्स नट बटर, आलमंड बटर, या जो न्यूटेला होता है, जो मार्केट में न्यूटेला मिलता है, बच्चों को बहुत पसंद है, न्यूटेला भी हम इसी तरह घर पर तैयार कर सकते हैं। न्यूटेला हेजल नट का बनता है। हेजल नट को साफ करके ड्राई रोस्ट करके इसी तरह पीस लें, उसके अंदर काकाओ पाउडर डाल दें और स्वीटनेस के लिए ऑर्गेनिक मैपल सिरप या ऑर्गेनिक रॉ हनी या कोकोनट शुगर डालकर आप न्यूटेला तैयार कर लें। बहुत जल्दी 20 मिनट में घर पर ही ग्लूटन फ्री हेल्दी न्यूटेला बनके तैयार हो जाएगा और जब बच्चे खाएंगे तो हर तरह से उनको नरिश करेगा। जो मार्केट में न्यूटेला मिलता है उसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे से पूछे तो मेरे हिसाब से तो उसमें सिर्फ शुगर ही शुगर होती है और कुछ भी इतना हेल्थ के लिए उसमें अच्छा नहीं होता। सो इस तरह हमारा 100% ग्लूटन फ्री होम मेड आलमंड बटर बनके तैयार हो गया। अब इसको एक शीशे के जार में भर कर हम फ्रिज में रख लेंगे, क्योंकि नट्स ऑयल रिलीज करते हैं तो इसको गर्मी के मौसम में बाहर रखना ठीक नहीं है, नहीं तो इसके अंदर स्मेल हो जाएगी। सर्दियों में तो हम इसको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन गर्मियों में आप इसको फ्रिज में ही रखिए। और इसको ब्रेड पर लगा कर, चाहे सीरियल में डाल कर, या वैसे भी चम्मच में लेकर इसको खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी है। सिर्फ आलमंड और लिटिल बिट हिमालयन पिंक सॉल्ट इसके अंदर है, कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है। तो इस तरह ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड करके आप खाएं। मुझे थोड़ी भूख लगी थी, मुझे ब्रेड भी नहीं खानी थी और कुछ खाना नहीं था, तो मेरा मन था कि मैं हॉट चॉकलेट बनाऊं। तो इसके लिए मैंने उबला हुआ दूध लिया है 1 कप में, फिर इसके अंदर 1 चम्मच काकाओ पाउडर डाल दिया और ऊपर से एक स्वीटनेस के लिए मैंने 1 चम्मच मैपल सिरप भी इसके अंदर ऐड कर लिया और 1 चम्मच आलमंड बटर डालकर एक मैनुअल हैंड ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। हॉट चॉकलेट हो, चाय कॉफ़ी हो, उसमें फ्रॉथ बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो, मैं तो क्रेजी हूँ फ्रॉथी हॉट चॉकलेट या हॉट फ्रॉथी मिल्क के लिए।
सो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी चाय में भी और इस तरह हॉट चॉकलेट में भी फ्रोथ। सो ये हैंड ब्लेंडर लाइफ सेवर है, बहुत अच्छे से मिनटों में इसमें फ्रोदी मिल्क हॉट चॉकलेट बन के तैयार हो जाती है। सो इस तरह वेरी क्विकली हमारा चॉकलेटी आलमंड मिल्क बन के तैयार हो गया है। बहुत क्रीमी सा इसका टेस्ट है और इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है, होममेड बटर बन के तैयार हो गया है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, 20 मिनट का टाइम लगा है, बहुत इजी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक दे देना, शेयर कर देना इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। मैं मिलती हूँ आपको किसी नई हेल्दी ग्लूटेन फ्री रेसिपी या आइडिया के साथ, जब तक के लिए बाय।